फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रहे। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कलवकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है आना है, संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्र है उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है भाई, हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया, वहां पर गया किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका, वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश किए। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी भाई बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे, लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति पॉलिटिक्स जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जीता तब मेट्रो रेल के शुरुआत किए, मर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश किए मेट्रो, मैं सोचा भाई जुबली हिल्स बंजर हिल्स में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20 25 40 50 लोग
उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उपल से लेके, नागोल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवेसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रानगुट्टा, चंद्रानगुट्टा से लेकर मैलार देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बनाए। एलबी नगर से हयात नगर तक नया लाइन डाल रहे। और अपना चंद्रानगुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे, वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रपुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे। क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है, ये उसमें जाने वाले जुबली बंजर हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का Phase 2 नया तरीका से बनाए। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रानगुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रानगुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले, चंद्रानगुट्टा जंक्शन में उतर के यहाँ चंद्रानगुट्टा को हमेशा याद रहना, चंद्रानगुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा